है, मुझे लगा था कुछ कुछ चीजें बदल गई होंगी, बट यहाँ तो अभी भी रास्ते वैसे के वैसे ही है। खराब कबाड़ से रास्ते बताओ। कैसे हो तुम सब? आई होप बढ़िया होगे। और अभी टाइम हो रहा है 11:15, आई थिंक सो, घड़ी तो नहीं पहन रखा मैंने, 11:15 हो रहा है। और प्लान था मेरा एक छोटा सा बाइक राइड करने का। दिल्ली से पास में है एक जगह, दमदमा लेक नाम है उसका, और आई थिंक 68 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इतने लेट से भी निकल रहा हूँ। और मौसम अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है, क्योंकि सुबह में बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। ओके, सो अभी हम निकल चुके हैं दमदमा लेक की तरफ। यहाँ से नोएडा से तो 60 किलोमीटर दिखा रहा है। ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रोड ट्रिप है, लाइक दिल्ली NCR से, मतलब लाइक नोएडा और दिल्ली से कह लो तो। वैसे दिखा रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट लगेगा मेरे को, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है नहीं, बट 1 घंटा 40 मिनट इसलिए लगेगा कि दिल्ली में जाने पर या फिर नोएडा में भी ट्रैफिक मिलेगा ही तुमको। हाँ, कहीं ना कहीं तुमको टाइम लग ही जाना है। तेल थोड़ा 200 डाल तो इमरजेंसी में, अगर मतलब जरूरत पड़ जाए तो। क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? 102 रुपये 14 पैसे। मुझे लगा था कुछ कुछ चीज़ें बदल गई होंगी, बट यहाँ तो अभी भी रास्ते वैसे के वैसे ही है। खराब कबाड़ से रास्ते बताओ। अच्छे सालों में इतना भी चेंज नहीं, रोड भी नहीं बना ठीक से। ये है अरावली ही है। थोड़ा रेस्ट करते 5 मिनट, क्योंकि थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते, प्यास लग रही है। ट्रिप पे जब भी जाओ ना, खासकर गर्मी का टाइम हो, तो हाइड्रेटेड रखना खुद को बहुत ज़्यादा जरूरी है। पानी वानी पीते रहो, और थोड़ी देर पर रुक के पानी वानी पियो, है ना। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अंदर से एकदम सूख सा जा रहा है। ऐसे ही हम दमदमा लेक के साइड पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है इधर, और ये रहा दमदमा लेक तुम्हारा साइड में। और बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे स्कूल के। सो फाइनली हम इंटर कर गए हैं दमदमा लेक का जो पूरा एरिया इधर, और यहाँ पे जो देख रहे हो, इतने दिन बाद दमदमा लेक आके पता लगे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि लेक के साइड आते हैं सबसे पहले, और देखते हैं कि यहाँ पे बहुत चीज़ें बदल गई। जैसे ये तुमको दिखाता हूँ, पहले काफ़ी थोड़ा फ्लैट हुआ करता था, वहीं से एंट्री हो जाया करती थी। अब ये मिट्टी भर दिया इन्होंने ऊपर तक, तो यहाँ से थोड़ा सा अजीब सा रास्ता बन गया है। यहाँ पे बोटिंग अभी भी हो रही है, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर बोटिंग। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लाइक अब तो ये झूला वाला लग गया है। कैन प्ले सम देसी आउटडोर गेम्स हियर, ये देख सकते हो। यहाँ पे बॉल देंगे, बॉल से उस तीनों ग्लास को गिराना होता है, तो गिराओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ से वो मिलेगा, है ना। So people are enjoying camel ride. हरियाणा में राजस्थान का मजा है ना, ये भी सही है। हरियाणा में आओ, राजस्थान के मजे लो, रेगिस्तान है नहीं, बट कैमल राइड करो। मिस कर गया भाई, अरे मिस कर गया। आई थिंक मुझे भी शूटिंग ट्राई करनी चाहिए। कैसे बताया आपने? लोग ना सर, ये सर 100 वाली है। हाँ, इसमें सर आपको 12 मिलेंगे, ठीक है, उसमें 14 मिलेंगे। अच्छा, लेकिन बेसिकली जब आप कभी भी आओगे इसमें 10 होते हैं, वैसे इसमें 12 अच्छा, होते हैं। अभी कुछ ऑफर दे रहा हूँ, आंधी चेंती के 2 घंटे के अच्छा, दो अक्टूबर के लिए दो एक्स्ट्रा चलो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। अब इस वी से आपको
ये ओ मिलाना है एंड बलून का सेंटर पार्ट देखना, फिर शूट करना आपको। लेकिन निशान निशान ठीक था सर, काफी अच्छा किया आपने। अच्छा किया पक्का। बट ये बंद पड़ा हुआ है भाई। बोटिंग का तो बहुत मन था बट वही है, सोलो में बोटिंग हो नहीं पाएगी। रीजन ये है कि फिर वो किसके साथ बैठाएगा, है ना। और चार्जेस जेन्युइन है, 150 एंड 200 है ऐसे चार्जेस। वेल आई एम हंग्री तो आई थिंक कुछ खाते हैं, बट मैं रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं खाऊंगा। तो देसी लोग है भाई, इधर मैगी वगैरह कुछ खाएंगे। सो मैगी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। दिस इज अ नाइस प्लेस टू हैव मैगी एंड फ्रूटी। खटिया लगाओ, बढ़िया खटिया बैठो और मैगी फ्रूटी खाओ। बारिश आ जाए तो मजा आ जाए, मजा आ जाएगा, बढ़िया हो जाए। चलो भाई मैगी खाते हैं। वेल आफ्टर हैविंग मैगी और कोल्ड ड्रिंक मैं वापस आ गया हूँ उधर पार्किंग में। और से बताओ तो अब इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने को है नहीं। यू हैव अ लेक, फिर बोटिंग कर सकते हो वहाँ पे। बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत बच्चों जैसा ही है, तुम्हारी मर्जी है कर सकते हो। मैंने बोटिंग नहीं की क्योंकि मैं अकेले था और वो अकेले बोटिंग का ऐसा सीन था नहीं उधर, इसलिए मैंने बोटिंग की नहीं है। बाकी आई थिंक आई शुड लीव नाउ। और रास्ते में कबड्डी का मैच हो रहा है, थोड़ी देर रुक के कबड्डी का मैच देखेंगे, तुमको भी दिखाएंगे। मेरा 2:30 तो मेरे को लग रहा है कि मैं घर 4:15 तक, उससे पहले घर नहीं पहुँचूंगा, थोड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा ही। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है यहाँ पे कि अब बहुत भीड़ होने लगा है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो बहुत कम भीड़ थी, गाड़ियाँ तो दिखती नहीं थी, पीछे तुम लाइन से गाड़ी देख सकते हो, इधर चारों तरफ गाड़ी लगी हुई है, बाइक भी लगे हुए हैं। तो पहले लोग आते नहीं थे, अब बहुत लोग आने लगे, लाइक बहुत सारे लोग आने लगे। लोगों को पता चल गया कि हाँ यहाँ पे एक लेक है, तो लोग इन्जॉय करने आते हैं। दिस प्लेस इज़ मोर ओवर लाइक अ पिकनिक स्पॉट। दोस्तों के साथ आओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बोटिंग करो, खाओ पियो। रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी मस्त जगह है, यू कैन इन्जॉय इट हियर। और यहाँ पे बढ़िया तास का गेम चल रहा है, क्या बात है। और बस यहाँ पे जब तुम एंट्री करो तो पार्किंग फी लगता है, तुम उसको पार्किंग फी बोल लो, जो बोल लो, है ना। बाइक के लिए 20 रुपये थे, तो मैंने उनको पहले दिया नहीं था क्योंकि चेंज नहीं था, मैंने आते टाइम दे दिया उनको। और वैसे कुछ लोग यहाँ पे जैसे जिनको दारू वारू पीना हो ना, वो भी आ सकते इधर, इधर को खोपचे में घुस के दारू वारू पी सकते हो, मतलब जिनको पीना है। अपन मैं तो नहीं पीता भाई, वैसे भी सोने में थोड़ी दारू पी के चलाऊंगा गाड़ी, तो वो भी कर सकते। ऊपर मेरे को मंदिर दिख रहा है, तो आई डोंट नो मंदिर को जाने का रास्ता कैसे है। हाँ ये हो रहा है देसी कबड्डी मैच, कबड्डी का जो देसी मैच होता है मिट्टी वाला मैट पे, तो तुमने बहुत देखा होगा प्रो कबड्डी लीग, बट असली कबड्डी तो यही है मिट्टी में जो होता है। भाई ये है हरियाणा का देसी कबड्डी मैच, इसका जो मजा है ना अलग ही है। अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता इसलिए निकल रहा हूँ। वेल फाइनली मैं वापस आ गया हूँ नोएडा, और मज़ा आया भाई रोड ट्रिप पे। छोटा सा था, ज़्यादा दूर नहीं था, बट मज़ा आया, जो भी था इंटरेस्टिंग था, ठीक ठाक जगह थी। सो चलो अब मिलते हैं तुम लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए यार जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक कमेंट शेयर करो। तुम लोग सपोर्ट करोगे तभी आगे का एडवेंचर कंटिन्यू हो पाएगा। सो चलो मिलते हैं तुम लोग से जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।